मदर जेब्रा एंड हाइना। एक घना जंगल था, उस जंगल में सरिता नाम की एक मादा जेब्रा रहती थी। सरिता बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी, वह हमेशा मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते रहती थी। एक दिन सरिता जंगल में टहल रही थी, तभी उसे गर्भवती हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करो। सरिता ये सुनते ही हिरण को बचाने जाती है। वो देखती है कि एक लकड़बग्गा गर्भवती हिरण को मार रहा है। तब सरिता वहां जाकर लकड़बग्गे को अपनी ताकतवर पैरों से मारकर हटा देती है और कहती है, अरे ओ बेरहम लकड़बग्गे, माँ और उसके अजन्मे बच्चे को मारकर क्यों अपने सर पर पाप ले रहा है? पाप और पुण्य की तुम तो बात मत करो, ऐसे मैं सब पर रहम करता रहूंगा तो भूखा मारा जाऊंगा, चुपचाप करके चली जाए यहाँ से। लकड़बग्गा सरिता की बात नहीं सुनता है और वो हिरण को मारने जाता है। तब सरिता को बहुत ही गुस्सा आता है और वो हिरण को बचाने लकड़बग्गे को अपने पैरों से मारने लगती है। लकड़बग्गा अकेला था, इसीलिए वो सरिता का सामना नहीं कर पाता है। लकड़बग्गा घायल होकर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। तब हिरण कहती है, मैं तुम्हारी बहुत ही रूनी हूँ सरिता, अभी भी उस लकड़बग्गे की हंसी मेरी कानों में गूंज रही है। मैंने तो हार ही मान ली थी कि मैं अब नहीं बचूंगी, पर सही समय पर आकर तुमने मुझे और मेरे बच्चे को बचा ही लिया। अरे डरो मत हिरण, अब वो लकड़बग्गा वापस नहीं आएगा, उसे अच्छा प्रसाद जो मिला है मेरे पैरों से। अब तुम अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। इस तरह से सरिता सबकी मदद भी करती रहती थी और सबका हौसला भी बढ़ाती रहती थी। उधर घायल लकड़बग्गा दूसरे जंगल जाकर सोचता है, सुन सरिता, मैं वापस आकर तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी हालत देखकर सारे जानवर कांप उठेंगे और फिर कोई मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं करेगा, बस कुछ दिन जी ले अपनी जिंदगी। लकड़बग्गा अपने दिल में बदले की आग जलाकर बैठ जाता है। वो उधर खुद की एक लकड़बग्गों की टीम तैयार करने लगता है। तो इधर अब सरिता भी गर्भवती हो जाती है। वो अक्सर अपने पेट में पलने वाले बच्चे से बातें करती रहती थी। बेटा अब माँ को सताना बंद कर दो, तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। यूँ अपनी माँ को सताना अच्छी बात नहीं है बेटा, जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ बेटा। सरिता इस तरह से अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो जाता है। सरिता को एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसने सारी दुनिया जीत ली हो। सरिता बच्चे को जन्म देने की वजह से कमजोर हो गई थी और इसी बात का फायदा उठाने लकड़बग्गा अपने लकड़बग्गों की फौज लेकर आता है जंगल में। लकड़बग्गे सरिता और उसके बच्चे को घेर लेते हैं। तब लकड़बग्गा कहता है, अब क्या करेगी तू सरिता, कैसे मुझसे बचेगी? तुझे बहुत शौक है ना दूसरे की मदद करने की, अब देखते हैं कि कौन तुम्हारी मदद करने सामने आता है। अरे बुजदिल, अकेला मुझसे लड़ नहीं सकता, इसीलिए अपने ये चार लकड़बग्गे लेकर आया और मुझसे हिम्मत की बात कर रहा है तू? सरिता कमजोर होने के बावजूद लकड़बग्गों से लड़ने लगती है, पर कमजोरी की वजह से वो उनका सामना नहीं कर पाती। एक लकड़बग्गा तो सरिता के बच्चे को उससे दूर करता है। तब सरिता जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, पर लकड़बग्गों को देखकर कोई भी सरिता की मदद करने की हिम्मत नहीं करता है। तब सरिता सबसे कहती है, आज मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है, मुझ माँ पर कृपा करो और मेरे बच्चे को बचा लो। सरिता सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है तो लकड़बग्गा सरिता की इस हालत पर हंसने लगता है।
तुम्हें इस तरह से देखकर मेरे दिल को ठंडक मिल रही है। देखो जानवरों सरिता की हालत, आप खबरदार अगर किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो। तभी वहाँ हिरन आती है। वो सरिता की हालत देखकर दुखी हो जाती है। लकड़बग्गे बारी बारी से सरिता को मार रहे थे और उसके बच्चे को रुला रहे थे। तब हिरन सबसे कहती है, वाह वाह, तुम सब बहुत ही अच्छा सिला दे रहे हो सरिता की मदद का। याद करो वो दिन जब जब सरिता ने तुम सबकी मदद की है। अरे बच्चे के रोने की आवाज तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच रही है क्या? वैसे सरिता कमजोर ना होती तो तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, वो अकेले ही मुकाबला कर सकती थी। हिरन की बातों से जानवरों की आंखें खुल जाती है, उनका हौसला बढ़ जाता है और वो एक साथ मिलकर लकड़बग्गों से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में लकड़बग्गे मारे जाते हैं और सरिता और उसका बच्चा बच जाते हैं। तब सरिता सबका धन्यवाद करती है। बाकी के जानवर अपनी गलती के लिए सरिता से माफी मांगते हैं। इस तरह से सारे जानवर एक हो जाते हैं। सारे जानवर मिलकर ये प्रण लेते हैं कि वो किसी भी जानवर को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी इसी हिम्मत और एकता की वजह से आज कोई भी खूंखार जानवर जंगल की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता है और सारे जानवर खुशी खुशी से रहने लगते हैं। गर्भवती हथनी पार्ट 2। आज की कहानी आप सब लोगों को कुछ नया सिखा देगी। एक घना जंगल था जिसमें बहुत से विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक हथनी थी जो गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में वो एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। हथनी अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश थी। जंगल में धूम मचाती थी और पेड़ों के फल के आनंद लेती थी। एक दिन हथनी लंबी घास के पास विश्राम कर रही थी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम जल्दी से जन्म लेने वाले हो, और मुझे ये भी पता है कि जैसे मैं बाहर खुश हूँ वैसे ही तुम अंदर बहुत खुश हो और मुझसे भी बेसब्री से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि तुम कब इस खूबसूरत दुनिया में आओ और हम दोनों साथ मिलकर खेलें। जब आप इस दुनिया में आओगे तो मैं आपको जंगल के अजूबे दिखाऊंगी और आपको ये भी सिखाऊंगी कि ये जानवर और लोग कितने अच्छे हैं। आपको हमारी जगह भी पसंद आएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके आसपास खेलने के लिए और बहुत सारे दोस्त होंगे। इसी तरह से वक्त गुजरता जाता है। हथनी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ था। हथनी अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। बच्चा बहुत शरारती था, वो इधर उधर भागता रहता था और पानी में भी मस्ती किया करता था। कुछ दिन अच्छा चलता गया। जंगल में थोड़े ऑफिसर्स आके वहाँ नए प्रोजेक्ट्स का रिसर्च करते थे, जहाँ गवर्नमेंट ने रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। सर, ये वही स्थान है जहाँ पर हम नई परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। यही है वो इलाका जहाँ पर ट्रैक बनेगा। जंगल के बीचों बीच अगर हम इस जंगल में पेड़ों को काटेंगे तो ये सब जानवर कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? सर, अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो आपके प्रोजेक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा आप चाहते हो। जल्द से जल्द परियोजना शुरू करें। दूर से हाथी और उसका बच्चा इंजीनियर की बात सुनते हैं और दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। माँ, अगर कोई जंगल नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? और मेरे सारे दोस्त, उनका क्या होगा? भोजन और पानी, उसके बारे में हम क्या करेंगे माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तुम डरो मत बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट शुरू होता है और ख़त्म होने वाला था। छोटे जानवरों और पक्षियों ने घर के लिए एक नई जगह की तलाश करना शुरू कर दिया था और ट्रेन जंगल के बीच से चलने लगी। ये देखकर हाथी घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, कृपया कर मेरे बच्चों की मदद करें।
हाथी के बच्चों को भूख लगने लगी। दोनों इधर उधर खाना खोज रहे थे, उससे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। वो दोनों भोजन की तलाश शुरू करते करते ट्रैक के बीचों बीच पहुंच गए। वही ट्रैक की दूसरी तरफ फलों से भरा हुआ पेड़ उन्हें दिखा। जैसे ही बच्चे को पेड़ दिखा, उसने तुरंत उसकी तरफ दौड़ लगा दी। अरे अरे रुको बेटा, इतनी तेजी में मत दौड़ो। हाथी माँ ने बच्चे को पीछा करके उसे रोकने की कोशिश की, और तभी अचानक ट्रेन आ गई। बेचारा हाथी का बच्चा टकरा के बहुत दूर हवा में उड़ता हुआ जोर से जमीन पर गिर जाता है। इस जोरदार टक्कर से माँ गंभीर रूप से घायल होती है और बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। हाथी माँ दर्द से कराहते हुए अपने बच्चे को देखने के लिए रेलवे की पटरी के दूर भागती है। अपने बच्चे की स्थिति देखकर माँ हाथी चिल्लाना शुरू कर देती है, बेटा बेटा तुम्हें क्या हुआ, प्लीज आंखें खोलो प्लीज बेटा आंखें खोलो। लेकिन हाथी का बच्चा आंखें नहीं खोलता और हाथनी भी गंभीर रूप से घायल होने की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ रेलवे के कुछ अधिकारी पहुँचते हैं। वो तुरंत ही हाथनी के इलाज की योजना तैयार करते हैं। मुझे पता था कि यही दर्दनाक होगा। हाथनी तो ठीक हो जाती है, लेकिन बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। मुझे पता है कि आपको ये दर्दनाक और चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हमारे ध्यान की आवश्यकता है। लगातार होने वाली दुर्घटनाओं में वन अधिकारी और रेलवे कोशिश करते हैं और समाधान के साथ आते हैं, और इसी वजह से रेलवेज ने ये डिसाइड किया है कि वन क्षेत्रों में वो ट्रेनों की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सीमित ही रखेंगे।